होता है क्या, बस एक तुम मिले जिंदगी मोहब्बत बन गई। कहते हैं सब के यहाँ भी संजोग ऊपर से बन के आते हैं। हो सकता है मेरे बाबा ने मेरे लिए यही अच्छे दिन मेरी वाइफ मोना के साथ मुझे दिए कि हाँ भी उसको मेरे घर तक लेके आए और मैंने उसको चुना अपनी लाइफ के लिए। लग भी नहीं रहा कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। मतलब हर पल हर चीज बहुत अच्छे से निकले हैं ये 25 साल मेरे हस्बैंड के साथ मेरे। हमारी शादी साईं बाबा की कृपा से हुई है। सेकेंडली मैं रोजी दीदी को क्रेडिट देना चाहूँगी। छोटी चाची का उनका पूरा सहयोग था, क्योंकि मुझे वो दिन अभी तक याद है जब हम अपनी शादी के लिए पहली बार हम साईं बाबा के मंदिर गए थे लोधी रोड। तो आई एम सो लकी कि वो मेरे लिए रिश्ता लेके आई इतनी अच्छी फैमिली से, और हम लोग अपने इस पवित्र शादी के बंधन में बंधे, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक रिश्ते के बाद ही शायद हमारा एक लव विद अफेयर एंड फिर अरेंज मैरिज। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। ले गए इजाजत अब आप से, सांसें ही आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। तो ये हमारा मिलाप हमारी ही गली में हमारे चाचा जी छोटी चाची उनके घर से हुई थी। ये भेजते थे मेरे छोटे से देवर को, बच्चों को, मेरी सिस्टर इन लॉज को मेरे पास कभी कुछ किसी रीज़न से छोटा सा एक मेरा देवर है विशेष, उसको कहते थे जा ऊपर बोल के आ, उनको मोना डार्लिंग बोल के आ। तो उसने, वो भी छोटा था, तो उसने ये चीज़ जाके आगे मोना को बोला कि हाँ भाई भैया ने
आपको मोना डार्लिंग कह के बोला है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट जो अब तक कर आए, जो मेरा बेटा हुआ अमन, तो वो मोमेंट सबसे बेस्ट था। हम दोनों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का, बच्चे के साथ एक काफ़ी चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो हम लोग काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की हुई उसके बाद। मेरी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट रहा है, उसके लिए मैं अपनी वाइफ मोना को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो दिन मुझे अभी भी याद है जब उसने मेरे गोद में एक लक्ष्मी के रूप में मुस्कान में गुड़िया को मेरे हाथ में दिया। तो जब उसकी स्माइल को मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने उसका नाम उसकी स्माइल को देख कर मुस्कान रखा कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही मुस्कराती रहे और घर में उसके आने से जो खुशियां हैं वो बनी रहे। न तो हंसना रोमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न तो रंगली अदाएं देखी, न तो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसा तू है वैसा रहना, जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। अपनी नेचर इनका बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट नेचर है। हाँ, कभी गुस्सा आ जाता है तो वो आप सब लोगों को मालूम है, इनका एक वर्ड डैश वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मोना को मिला था, तो मोना ने मुझे कुछ एक्सप्लेन किया था कि एक घर को एक साथ एकजुट रखने की, घर को उस तरीके से संभालने की, मतलब कि घर के हर एक काम को, मतलब कि बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करने की। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरी जो वाइफ मोना का जो एक हॉबी नेचर जो है, वो अपने घर को एक साथ और एक मुठ में रखने की है। और फिर सबसे बड़ा शौक जो इनको है वो है एक्टिंग का, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मैं बाबाजी से यही प्रेयर करती हूँ कि मुझे हर जन्म में यही लाइफ पार्टनर मिले। कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो जैसे जोड़ी इस बार बाबा ने हमारी बनाई, हर जीवन में हमारी जोड़ी ऐसे ही बनाए। और इस टाइम पे मैं अपनी मदर इन लॉ मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं और उनका एक सपना भी था कि मैं 25th एनिवर्सरी अच्छे से बच्चों की मनाऊँ और उसमें मेरे बेटे का अमन का रोका करूँ। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं और जो आज ये फंक्शन भी हो रहा है, उन्हीं का सपना पूरा हो रहा है। आई मिस यू सो मच मम्मी, आई लव यू। जी मैं मोना को उसी तरीके से डेडिकेट करूँगा जैसे मैं पहले करता था, उसके नाम के तरीके से ही, तो मोनिका ओ माय डार्लिंग आई लव यू।
मम्मा पापा हैप्पी 25th एनिवर्सरी. हैप्पी 25th एनिवर्सरी मम्मा पापा. गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ. आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. आप ही की वजह से मैं आपको आज विश भी कर पा रहा हूँ. आप हमेशा ऐसी रहो दोनों, और हमेशा मेरे को जैसे आप सपोर्ट करते हो वैसे ही सपोर्ट करते रहना. उन दोनों की बॉन्डिंग, उन दोनों का नेचर हमेशा वर्ल्ड क्लास रहा है. और हमेशा से ही मैं उन्हें बोलता हूँ कि जो आपकी बॉन्डिंग है, मैं भी अपनी वाइफ के साथ या कोई भी मेरा पार्टनर हो, मैं हमेशा उसके साथ ऐसी ही बॉन्डिंग मेंटेन रखूँ और हमेशा ऐसे ही सबके साथ एक परिवार की तरह रहूं, जो हमेशा एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी आदत है जो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी है. इतना लड़ते हैं मतलब कई बार तो मुझे जज बनना पड़ता है. पीछे पापा बोलते बता किसने स्टार्ट करी थी, मम्मी बोलती तू बता, मतलब मेरे पे सारा आ जाता है और फिर एक की साइड लो दूसरा गुस्सा हो जाता है. बहुत मुश्किल काम है. तो इतना मत लड़ा करो, ठीक है, कभी कभी चलते मेरे में मत डिसीजन छोड़ा करो. लड़ाई झगड़े प्यार मतलब ऐसा रहा है बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह. पापा का फेवरेट कार्टून भी है टॉम एंड जेरी, मुझे लगता है वहीं से सीखे हैं. पर जो भी है वो हमेशा एक दोनों ऐसे ही रहे हैं, कभी लड़ते हैं कभी एकदम से एकदम ऐसे हो जाते हैं. और जितना प्यार वो एक दूसरे से करते हैं वो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कहीं और देखा है. आई लव यू सो मच, वी ऑल लव यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू. मैं अपने दोनों बच्चों मोनिका कपूर और सूरज कपूर को उनकी 25वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ. उनके जीवन में बाहर ही बाहर हो और उनकी दीर्घायु हो. विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी भैया एंड भाभी. आज हम भैया भाभी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है. हम चाहते हैं कि ये दिन बार बार आए और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हम इस चीज़ को हमेशा मनाते रहें. आज के दिन 1 दिसंबर को मेरे पोते का रोका भी है बाबा जी की कृपा से, उसकी दादी और उसके दादा की तरफ से उसको ढेर सारे शुभकामनाएं, उनका जीवन सुखी गुजरे, बाहर ही बाहर हो जीवन. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भैया भाभी मिले हैं और बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है. जहाँ जहाँ वो चलते हैं वहीं हम चलते हैं. वो आगे आगे हैं और हम पीछे पीछे हैं, और ये हम चाहते हैं सफ़र आगे तक चलता रहे और ये कभी ना रुके. वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई. आई लव यू मम्मी पापा. हैप्पी एनिवर्सरी बड़े मम्मी बड़े पापा, जैसे आपने हमें अभी तक प्यार दिया है वैसे ही देते रहना. वी लव यू बोथ. विशिंग माय परफेक्ट पेयर अ परफेक्टली हैप्पी डे. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा. गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड वी लव यू बोथ. हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी सूरज एंड मोना. हैप्पी एनिवर्सरी सूरज एंड मोना. हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी सूरज. हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी मोना प्रजाई. Happy anniversary भाभी, God bless you, love you both of you. हर साल ऐसी anniversary बनाओ बाबा जी, आपकी जोड़ी सलामत रहे. Happy anniversary बड़े बाबा बड़ी मम्मी, love you so much. Happy anniversary बड़े पापा बड़ी मम्मी, God bless you. Happy anniversary सूरज भाई मोना भाभी, God bless you. Happy anniversary भैया भाभी, you are the best couple in the world. I love you so much. Happy anniversary भैया भाभी, you are the best. I love you so much. Good parathas you give me. You give me cards. So is 25th salgirah pe mere sare karze maaf. Aap hi bhar lena. Happy anniversary Suraj aur Mona. Aap dono hamesha khush raho. I love you. God bless you. Diya sang baati jaise. वैसे ही हमेशा आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे. विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ. हेलो मामू. हेलो मामी. यू आर बेस्ट मामू मामी इन द वर्ल्ड. वी लव यू. हैप्पी एनिवर्सरी. एंजॉय योर डे. हाय. हेलो पूरी कपूर फैमिली को मेरा नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद मेरी तरफ से भी. हम दोनों की तरफ से. हम लोग इस टाइम जर्मनी में हैं.
अपने बच्चों के पास, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मोना की मैरिज एनिवर्सरी पे हम लोग शामिल हो सकें। और मुझे खुशी है ये जो हीरा मुझे मोना मिली उसको मैं लेके आई इस घर में। मेरे घर में पहली बहू मोना ही के कदम आए जिससे परिवार पूरा खुशहाल बना। और ये जो हीरा मुझे मिला है वो बहुत नायाब हीरा है, और मेरा सूरज भी बहुत एवन था तभी उसको ये हीरा मिला, क्योंकि वो मेरा ऋषि कपूर है। मैं उसे ऋषि कपूर बोलती हूँ, वो वाकई ऋषि कपूर की तरह सुंदर और स्मार्ट है और अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखता है। ये दोनों लोग पूरी फैमिली को जोड़ के रखते हैं। मेरी फैमिली कपूर फैमिली नाइस फैमिली। इन दोनों के लिए मैं सिर्फ दो ही शब्द कहना चाहूंगा, और इनके लिए गीत है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मिले ना इस जीवन लेंगे जन्म दोबारा। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, हमारी ब्लेसिंग, हमारा आशीर्वाद सारे फैमिली के साथ। हम भी सब शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबा आप सब पे कृपा बरसाएं। ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, हाय, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भैया एंड भाभी। आज आपकी 25th एनिवर्सरी है और हम लोग बहुत 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 खुश हैं। हम हमेशा बाबा से यही ब्लेस करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो और साथ रहो और खूब खुश रहो। हेलो भैया एंड भाभी, कांग्रेचुलेशंस। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये मैसेज देते हुए कि नाउ यू आर एंटरिंग इन योर 25th ईयर ऑफ एनिवर्सरी। तो आई होप ये जो जर्नी है कंटिन्यू रहे और आप बहुत जल्दी से 50th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करें। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैसेज नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग आते होंगे। और स्वयं कुछ कहना चाहेगा, स्वयं ने मैसेज देना है क्योंकि भाभी ने बोला था कि स्वयं जो भी विशेष देगा वो डॉयच में देगा। Herzlich Glückwunsch zur 25. Anniversary. Sie bleiben gesund und sie lachen immer und sie bleiben gesund. Danke. भाभी आप लोगों के लिए और भैया के लिए मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी। आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे। यूं ही एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं, आप दोनों से ये खुशियां के एक पल भी ना छूटे। थैंक यू सो मच और वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। हालांकि आप 25th एनिवर्सरी वाले लगते नहीं हो, राइट और लेफ्ट में जितने भी लोग बैठे हो प्लीज भैया भाभी की एक बड़ी शक्ल देखना, ये बिल्कुल भी 25th वाले कपल नहीं लगते। भाभी एज यूजुअल चार्मिंग और सूरज भैया के लिए अभी भी ऐश्वर्या राय रेडी है ना। और जितने भी बड़े हमारे सब वीडियोस देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया बाजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मोना और सूरज को शादी की 25 सालगिरह बहुत मुबारक हो। मोना और सूरज को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू सूरज जय एंड मोना मासी। अब तो पार्टी होगी, पार्टी। चीयर्स। तो आएंगे मजे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा, वी लव यू बोथ। ये चीयर्स। ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਲਾਉਣੀ ਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨੀ ਕਰਦਾ।
करता।